फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज एक और रेसिपी लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो मैं आज लेकर आई हूँ फ्रेंड बीन्स और आलू की सब्जी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। आप देख रहे हैं फ्रेंड कि बीन्स को अच्छे से धो ली हूँ और यहाँ पे चार आलू ली हूँ। आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड कि बीन्स और आलू अच्छे से कट चुका है और अब मैं किचन की तरफ आपको लेके चलती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड कि मैं जार में चार मिर्च ली हूँ और थोड़ा सा आदी ली हूँ और अब इसको पीस लूंगी। तो आप हर एक इंग्रेडिएंट्स पर ध्यान दीजिएगा तो आपका बीन्स का सब्जी है जो बहुत ही टेस्टी बनेगा। और आप मेरी वीडियो को फॉलो करें। आप देख सकते हैं फ्रेंड कि मैं लहसुन और आदि का पेस्ट यहाँ पर बना चुकी हूँ और अब मैं कढ़ाई बैठा। तो यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो चुका है फ्रेंड और तेल डला रहा है, देख रहे हैं। तो मेरे घर में सरसों का तेल सब्जी में यूज होता है। आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं, वो आपकी पसंद के अनुसार है। तो सरसों के तेल जब आप यूज कर रहे हैं तो इसको अच्छे से गर्म हो जाने दीजिए। तो यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है और मैं अब इसमें जीरा डालूंगी, फिर स्क्वायर शेप कटे हुए प्याज डालूंगी। देखिए, इस तरह से आप बीन्स का सब्जी बनाइए। खाने में भी टेस्टी होता है, देखने में भी टेस्टी होगा। मेरे वीडियो को फॉलो करिए आप, तो देखिए ये देखने में कितना खूबसूरत लगेगा फ्रेंड। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो घर प्लीज एक बार ट्राई करें। और अपने ज़्यादा प्याज को नहीं पकाना है फ्रेंड, देखिए ये इतना पक चुका है। और अब मैं जो मिक्सी में पीस करके रखी थी आदी और मिर्चा का पेस्ट फ्रेंड, तो मैं अब इस तेल में डालूंगी और उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड आप देख रहे हैं कि मैं प्याज को ज़्यादा नहीं पकाई हूँ क्योंकि बीन्स और आलू दोनों को भूजना है। तो अब मैं इकट्ठे दोनों आलू और बीन्स दोनों को साथ में डालूंगी और डाल करके, और फिर उसके बाद मैं इसमें नमक ऐड करूंगी और इसको ज़्यादा तेज आंच पे नहीं, धीमे आंच पर ही पकाना है। मीडियम आंच पे आप पकाइए इसको अच्छे से। और जिन जिन को बीन्स और आलू की सब्जी नहीं पसंद है, प्लीज़ इस वीडियो को देखें और ट्राई करें, फिर उसके बाद से आप हमेशा बीन्स और सब्जी आपके लिए फेवरेट हो जाएगी। तरीके से मीडियम फ्लेम पे फ्रेंड पकाना है। मेरा 70% आलू और बीन्स जब तक पक ना जाए तब तक कोई मसाला नहीं डालूंगी। और तो बीन्स और आलू को जल्दी पकने के लिए मैं इसमें अब नमक ऐड करूंगी। तो बीच बीच में आपको इस रेसिपी को देखना है और चलाना है। और हाँ फ्रेंड, इसमें नमक डाला हुआ है इसलिए आप पानी तो बिल्कुल ही ना इसमें डालें। और देख सकते हैं कि हाफ ये पक चुका है, अब ये थोड़ा और भून जाएगा और उसके बाद इसमें सारा मसाला जाएगा। इसको अभी एक बार और ढक के पकाना है। जब आलू अच्छे से सीज जाएगा उसके बाद मसाला डालेंगे। तो यहाँ पर बीन्स मेरा लगभग पक चुका है और अब मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। और इसमें मिक्स मसाला मैं डाल रही हूँ जिसमें धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है और लाल मिर्च पाउडर है, जो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। और फिर आमचूर पाउडर, थोड़ा सा आमचूर पाउडर। फ्रेंड आप इस तरीके से बनाइए और घर में देखिए, ट्राई करिए। ये बहुत ही बीन्स की सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है। तो देखिए यहाँ पर आमचूर पाउडर गया थोड़ा सा। देखिए इसका कलर अभी से ही इतना प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसको ढक करके अच्छे से पकाना है फिर धीमे आंच पे, क्योंकि अब इसमें मसाला पड़ चुका है और जब इसका आंच हम लोग हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये जल जाएगा मसाला, इसलिए धीमे आंच पर ही इसको पकाना है। तो फ्रेंड आपको बीच बीच में हटा करके देखना है कि आपका आलू सीज चुका है कि नहीं। यहाँ पर देखिए मेरा आलू लगभग सीज चुका है और अब इसमें जो मैजिक मसाला जाएगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड, ये अच्छे से आलू और बीन्स दोनों जो हैं वो पक चुके हैं। और आप देख रहे हैं फ्रेंड कि इसका कलर कितना प्यारा हुआ है। तो देख रहे हैं फ्रेंड कि मेरा ये सब्जी हो चुका है और अब इसमें मैं मैजिक मसाला, आप देख रहे हैं मैजिक मसाला ऐड करूंगी।
जो इस सब्जी का टेस्ट ही पूरा बदल देगा, जो इस सब्जी का खास मसाला है। और ये मसाला, मैजिक मसाला, अब ये इसके अंदर गया और इसके डालने के बाद आपका सब्जी का पूरा टेस्ट ही बदल जाएगा। तो मेरा सब्जी बन के रेडी हो चुका है फ्रेंड, और अब इसमें धनिया का पत्ता डलाएगा और मेरा सब्जी बन के रेडी हो चुका है। आप देख रहे हैं फ्रेंड कि मेरा सब्जी बन के रेडी हो चुका है और मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब्जी बनाने में कोई भी मेहनत लगा, और देखिए यहाँ पर कितना प्यारा लग रहा है सब्जी का कलर। आप इमेजिन करके देख सकते हैं कि ये सब्जी कितना टेस्टी होगा। तो प्लीज़ घर में ट्राई करें, और मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड। और हम लोग फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।